फिल्म के स्टार्ट में फादर प्रे कर रहे होते हैं और फिर हमें 3 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां पर एक बच्चा जेंडर सो रहा था जो कि एशली और जॉर्डन का स्टेप ब्रदर था। अचानक किसी आवाज से उसकी आंख खुलती है और वो उठकर देखता है कि सरकटी लाश कॉरिडोर में भागती हुई उसकी तरफ आ रही है। वो बुरी तरह डरकर चीखे मारता हुआ रूम में छुप जाता है और फिर देखता है कि एक कटा हुआ सर उसके रूम में पड़ा है जो कि सारा का था। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और उसके डैड मार्क उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसने अपना सर हाथ में पकड़ा हुआ था और वो कहता है जॉर्डन घर आ रही है। असल में ये मार्क का नाइटमेयर था जिससे डरकर उसकी आंख खुल गई थी। अगले सीन में हम जॉर्डन को देखते हैं जिसे तानिया का घर आने का मैसेज मिला था। उसके बाद वो एशली से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है मगर कॉल नहीं मिलती तो वो भी उसके लिए मैसेज ड्रॉप कर देती है और फिर वो घर जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ फादर माइकल एक बंदे के साथ मिलकर जॉन और डॉक्टर की बॉडी को दफनाते हैं और उस बंदे को कहते हैं कि तुम तानिया के घर को भी साफ कर दो। वो बंदा उन्हें एक नंबर और एड्रेस भी देता है जो एशली के डैड मार्क का था। उसके बाद फादर मार्क को कॉल करके पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी बेटियों की कोई परवाह है और उसके हाँ कहने पर उससे मिलने का कहते हैं। उधर जॉर्डन रास्ते में अपनी एक दोस्त से बात करते हुए उसे बताती है कि मेरा अपनी बहन एशली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, मुझे उसकी और आंट तानिया की फिक्र हो रही है। वो लड़की भी उसी टाउन में रहती थी और वो जॉर्डन को मिलने के लिए कहती है। अगले सीन में हम मार्क और फादर को देखते हैं जो तानिया के घर जा रहे थे। वहाँ उन्होंने जॉर्डन से मिलना था। मार्क बताता है कि मैंने कई सालों से अपनी बेटियों को नहीं देखा, काश मैं यहाँ थोड़ा पहले आकर एशली से मिल लेता जो कि यहाँ थी। फादर ने उसे बताया था कि वो आउट ऑफ टाउन गई है। मार्क कहता है कि मैं अब चेंज हो गया हूँ, मेरी दूसरी बीवी कैरन बहुत अच्छी है, मैं अपनी बेटियों को मिस करता था और अब मैं उनसे मिलकर सब ठीक कर दूंगा क्योंकि पहले मैं उनके लिए एक अच्छा फादर साबित नहीं हुआ। रास्ते में वो बंदा फादर को सिग्नल देता है कि घर साफ हो गया है। वहाँ पहुंचकर फादर कहते हैं कि एशली की कुछ आदतें बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हैं। वो इस वक्त कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रही है जैसी उसकी मॉम ने की थी, जिस पर मार्क पूछता है कि क्या उसे भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तभी जॉर्डन वहाँ पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि क्या सब ठीक है। फादर उसे बताते हैं कि एशली के साथ कुछ ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसलिए तानिया डॉक्टर के साथ उसे आउट ऑफ टाउन लेकर गई है और उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं कि कोई मसला नहीं है। जॉर्डन को मार्क से मिलने की कोई खुशी नहीं होती, वो जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और एशली के रूम में जाकर उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वहाँ पर हमें डॉक्टर की स्पिरिट भी नजर आती है जो उससे कहती है अंडर द चर्च, और तभी फादर और मार्क के आ जाने से वो गायब हो जाती है। जॉर्डन उनकी बात सुने बगैर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। वो लोग उसे रोकते हैं तो वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है और एशली का रूम बाकी से इतना डिफरेंट क्यों है। मार्क कहता है कि उन लोगों के वापस आने तक तो मेरे साथ घर चलो और वो मान जाती है। फादर उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना। रास्ते में मार्क जॉर्डन से सॉरी करता है कि मैं तुम्हें अपने टाउन में वापस आने के बारे में बता नहीं सका। जॉर्डन को अपना बचपन याद आता है जब मार्क उस पर और एशली पर जुल्म करता था। मार्क कहता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ ने मुझे बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था और मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो जिसका तुम्हें पूरा हक है, लेकिन अगर तुम किसी तरह मुझे दोबारा अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी प्यार दूंगा। मगर जॉर्डन गुस्से से कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ एशली को ढूंढने तक रुकूंगी। घर में उन्हें कैरन और जेंडर बहुत खुशी से मिलते हैं। जेंडर उसे उसका रूम दिखाता है और कैरन कहती है कि ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। जॉर्डन बोलती है कि मैं बस अपनी बहन को ढूंढना चाहती हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी फैमिली हैं और हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, मुझे तुम्हारे यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। अगले सीन में जॉर्डन जेंडर को किसी से बात करता हुआ देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके पूछने पर जेंडर कुछ नहीं बताता और वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर वो बात करते हैं कि डॉक्टर और तानिया ऐसे किसी को बताए बगैर एशली को लेकर कहाँ जा सकते हैं। जॉर्डन बताती है कि सुबह मुझे तानिया का मैसेज मिला था और उसके बाद से मेरा उन दोनों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। मार्क कहता है कि फादर के अकॉर्डिंग एशली भी सारा की तरह कुछ मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है, जिस पर जॉर्डन कहती है कि मेरी मॉम को तो कोई मेंटल प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई थी। तो अचानक से मार्क का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो जेंडर का फोन लेकर जोर से टेबल पर पटक देता है क्योंकि वो गेम खेल रहा था, मगर फिर मार्क अपने बिहेवियर के लिए सॉरी करता है। जॉर्डन और जेंडर सोने चले जाते हैं और कैरल मार्क को रिलैक्स करती है। उसके बाद मार्क जेंडर के पास जाकर उसे दोबारा एक्सक्यूज करता है क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रहा था। फिर वो और जेंडर प्रे करते हैं। अगले सीन में रात को सोते हुए जेंडर उठकर जॉर्डन के रूम में जाता है। वहाँ हमें उसके पीछे कोई डिमोनिक एंटिटी भी नजर आती है। फिर जेंडर वहीं जॉर्डन के पास ही सो जाता है। अगली सुबह फादर उनके घर जाकर बाहर की वॉल पर क्रॉस लगाते हैं और फिर एंट्रेंस पर नमक डालते हैं। तभी जेंडर बाहर निकलकर फादर से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये उसे अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले कि फादर कुछ कहते, मार्क वहां आकर फादर को अंदर ले जाता है। फादर उसे कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन कैरन के आ जाने पर वो रुक जाते हैं और मार्क को अपने ऑफिस आने का कहते हैं।
वो जाते हुए जेंडर से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरा ये करना उसे अच्छा नहीं लगेगा और वो है कौन। मगर वो कुछ नहीं बोलता तो फादर उनके घर में बाइबल रखकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉर्डन अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। फादर बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए उसे जाता हुआ देखते हैं। जेंडर कोई ड्राइंग बना रहा था तो मार्क उसे स्कूल चलने का कहता है। वो कैरन को बताता है कि फादर के पास मेरे लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं उनके ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में जेंडर को स्कूल छोड़ दूंगा। उसके बाद कैरन एंट्रेंस से नमक को साफ कर देती है और वॉल से क्रॉस हटा के वॉल हैंगिंग दोबारा वापस लगा देती है। उधर जॉर्डन एक कैफे में अपनी दोस्त नेट से मिलती है जहाँ वो वेट्रेस थी। वहाँ पर नेट का भाई टेलर अपने फ्रेंड्स के साथ जॉर्डन से मिलता है। वो लोग एशली के क्लास फेलोज थे। वो उसे बताते हैं कि एक दिन क्लास में एशले सो गई थी और फिर अचानक चीखे मारती हुई डर कर उठ गई, जिससे हमारी पूरी क्लास डर गई थी और फिर उसने शेन की जुबान भी काट ली थी। वो अक्सर बिल्कुल क्रेजी और आपे से बाहर हो जाती थी। फिर नेट आकर उन लोगों को स्कूल जाने का कहती है और जॉर्डन को लेकर बाहर जाती है, जहाँ पर वो जॉर्डन को बताती है कि एक दिन चर्च में एशले को अचानक से कुछ हो गया था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। फादर भी वहीं थे। ये सब मेरी मॉम ने खुद देखा था। वो बोलती है कि ये सब यहाँ सबको पता है लेकिन कोई तुम्हें नहीं बताएगा। एशले की दोस्त हैना की भी डेथ हो गई थी और मरने से पहले वो एशले से मिलने गई थी। उन्होंने स्पिरिट से कॉन्टेक्ट किया था ताकि वो तुम्हारी मॉम से बात कर सके। वो जॉर्डन को उस मेथड का भी बताती है जो उन दोनों ने यूज किया था। उसके बाद वो जॉर्डन को बाय कर चली जाती है। जॉर्डन पुलिस स्टेशन जाकर एशले की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है, जिस पर ऑफिसर कहती है कि मैं तुम्हारी आंट को जानती हूँ, वो एशले को इलाज के लिए लेकर गई है, एशले मिसिंग नहीं है। वो ये भी बताती है कि चर्च में उसे पैनिक अटैक आया था जो हम सबने खुद देखा था, जिस पर जॉर्डन कहती है कि एशले मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती, आपको फादर से बात करनी चाहिए थी और चर्च के नीचे चेक करें। मगर ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनती और नंबर लेकर उसे घर जाने का कहती है। उधर फादर अपने सुपीरियर से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं रख सकता, चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। पर आगे से उन्हें स्ट्रांग रहने के लिए कहा जाता है, जिस पर वो बोलते हैं कि दो लोग मर चुके हैं, तानिया शॉक में है, अगर आपने मेरी मदद ना की तो मुझे जेल भेजा जा सकता है। फादर थॉमस उनसे कहते हैं कि बस कुछ दिन और इस बात को सीक्रेट रखें और फिर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, तब तक आपको काम रहना होगा। मगर फादर माइकल बुरी तरह टूट चुके थे। कुछ टाइम बाद मार्क उनसे मिलने आता है। फादर उससे जॉर्डन का पूछते हैं तो वो कहता है कि वो अपनी मॉम के साथ हुए हर प्रॉब्लम के लिए मुझे ब्लेम करती है, लेकिन मैं अपने बच्चों का अच्छा डैड बनना चाहता हूँ। फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। वो बताते हैं कि सारा वाले डीमन ने एशले को पोजेस कर लिया है। मार्क को कुछ समझ नहीं आता तो फादर उसे पुरानी बातें बताते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब फादर सारा का एक्सोसिज्म कर रहे थे तो डीमन सारा की बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, और जब फादर ने उस पर होली वाटर डाला था तो डीमन के जोर से चिल्लाने से एशले डिलीवर हो गई थी, क्योंकि तब सारा प्रेग्नेंट थी। फादर कहते हैं कि वो दोनों अब उसी डेविल से पोजेस्ड हैं। मुझे उस दिन सारा को मरने देना चाहिए था। मार कहता है कि मैंने खुद सारा की बॉडी को दफन होते देखा था। उसे लगता था कि फादर नशे में ये सब कह रहे हैं। फादर बोलते हैं कि मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, लेकिन अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर मार्क गुस्से से पूछने लगता है कि मेरी बेटी कहाँ है, अगर मुझे पता लगा कि तुमने कुछ छुपाया है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये कहकर वो चला जाता है। पीछे से फादर उसे कहते हैं कि अगली बारी जॉर्डन की है। उधर जॉर्डन रात को घर जाकर वो बाइबल अपने रूम में ले जाती है और स्पिरिट बुलाने के लिए वही रिचुअल करने लगती है जिसका उसकी फ्रेंड ने बताया था, मगर फिर अचानक से कैंडल बुझाकर छोड़ देती है और किचन में जाती है जहां मार्क बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। जॉर्डन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उस पर गुस्सा करती है। वो ये कहकर रूम में चली जाती है कि मैं सुबह इस घर से चली जाऊंगी। सोते हुए जेंडर को विस्परिंग की आवाज आती है और उसे लगता है कि बेड के नीचे कोई है। पहले तो वहाँ कोई नजर नहीं आता, मगर दोबारा देखने पर डेविल सारा की शक्ल में उसे हॉन्ट करता है। जेंडर बुरी तरह डर कर रूम से भाग जाता है। उधर जेंडर को अपने रूम में देखकर जॉर्डन की आंख खुल जाती है, लेकिन तभी उसे भी जेंडर की जगह डेमोनिक सारा नजर आती है, मगर ये सब सिर्फ उसका विजन था। जेंडर उसे बताता है कि मुझे अपने बेड के नीचे कोई नजर आया। वो दोनों उस रूम में बेड के नीचे देखते हैं, मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता। जेंडर जॉर्डन से उसके रूम में सोने का बोलता है। जॉर्डन पहले तो मना करती है, मगर लाइट ऑफ करने पर उसे वही सर कटी डेड बॉडी नजर आती है जो पहले जेंडर को दिखी थी, तो जॉर्डन उसे अपने साथ सुला लेती है। उधर मार्क को भी सोते हुए सारा की स्पिरिट नजर आती है और वो उसके पीछे चला जाता है, मगर आगे जाकर वो गायब हो जाती है, तो मार्क वही बैठ कर रोने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर सारा के हाथों का एहसास होता है, लेकिन जब वो उन्हें पकड़ता है तो कोई अजीब सा लिक्विड उसके हाथ पर लगता है और फिर ऊपर उसकी शक्ल देखते हुए वो डरकर जोर से चीख मारता है। कैरन मार्क को बेड पर ना देखकर पानी पीने जाती है और बच्चों को चेक करती है और फिर पूरे घर में मार्क को ढूंढती है, लेकिन वापस रूम में जाने पर मार्क लेटा होता है जिसे डेविल ने पोजेस कर लिया था,
और उसने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। वो अचानक से कैरन को स्टैब करके मार देता है। किसी आवाज से जॉर्डन की आंख खुलती है और वो देखने के लिए उनके रूम में जाती है और कैरन को मरा हुआ देखकर डर के अपने रूम में भाग जाती है, मगर मार्क यानी डेविल उसे देख लेता है। जॉर्डन रूम में जाकर दरवाजे के आगे टेबल रख देती है और जेंडर को उठाकर कहती है हमें यहाँ से जाना है। फिर वो चादरों को बांधकर रस्सी बना के जेंडर को खिड़की से नीचे उतार देती है। उधर मार्क दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन खुद स्टेयर्स के थ्रू नीचे जेंडर के पीछे जाती है तो मार्क वहाँ उस पर अटैक कर देता है। वो खुद को ना मारने की रिक्वेस्ट करती रहती है मगर मार्क उसके कंधे में चाकू मार देता है, लेकिन तभी पीछे से जेंडर उसके सर पर कोई चीज मारकर उसे गिरा देता है। वो दोनों भागकर घर के अंदर चले जाते हैं और जॉर्डन जेंडर को क्लोजेट के अंदर छुपाकर खुद ऊपर अपने रूम में जाती है और बेड के नीचे छुपकर पुलिस को कॉल करती है। वो अपनी गाड़ी की डिग्गी भी खोल देती है क्योंकि उसका जेंडर को लेकर वहाँ से भागने का प्लान था। मार्क भी घर के अंदर आ जाता है और कुल्हाड़ी से क्लोजेट को तोड़कर जेंडर को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं मिलता तो वो ऊपर चला जाता है और टेबल को हटाकर जॉर्डन के रूम में पहुंच जाता है। खिड़की से गाड़ी को खुला हुआ देखकर वो नीचे गाड़ी में चला जाता है। जॉर्डन को लगता है कि वो चला गया, इसलिए वो जेंडर को लेकर बाहर चली जाती है और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो मार्क से दूर आ गए हैं, मगर तभी मार्क डिग्गी से निकलकर उनके पास आ जाता है। वो लोग डर कर गाड़ी से उतर जाते हैं। आगे से पुलिस आ जाती है और उन्हें सेव कर लेती है। दो पुलिस वाले उनकी गाड़ी में चेक करने जाते हैं तो मार्क एक को कुल्हाड़ी से मार देता है और गाड़ी से उतरकर दूसरी पुलिस ऑफिसर पर भी अटैक कर देता है। फिर वो पुलिस की गाड़ी में जॉर्डन और जेंडर की तरफ जाता है। पीछे से वो ऑफिसर मार्क पर गोली चलाती है तो वो उसकी तरफ जाकर उसकी आंखें निकाल देता है। तभी जॉर्डन पीछे से मार्क के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर अपने चीफ को कॉल करती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम चर्च के बाहर जाती है जहां बैकयार्ड से उन्हें डॉक्टर और जॉन की बॉडीज मिली थी। वो लोग फादर को पकड़ लेते हैं। फादर उन्हें कह रहे होते हैं कि उन्हें मत निकालो, तुम लोग गलती कर रहे हो। पुलिस को चर्च की बेसमेंट में वो सेल्स मिल गए थे जहां सारा, एशले और तानिया को रखा गया था और वो उन्हें एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल भेज रहे थे, लेकिन उन लोगों को खोलने पर डेविल ने सब पुलिस वालों को मार दिया था और चर्च को आग लगा दी थी। एंड के सीन में सारा चर्च से बाहर आती है और फादर उसे देखकर प्रे करने लगते हैं, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डेविल ने अभी तक सारा को बुरी तरह पोजेस किया हुआ था। अचानक से वो फादर के पास आकर जोर से गुर्राता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।